से गाड़ी से बाहर निकला, फायरिंग स्टार्ट हो गई। गोली लगते ही मैं नीचे गिर गया। मुझे लगता है वो मुझे मारने नहीं डराने आए थे। कौन? मैं नहीं जानता। बाइक पर आए थे वो, चेहरे छुपाए हुए थे उन्होंने। उन्होंने चेहरे छुपाए हुए थे? तू हमसे बातें छुपा रहा है? मुझे पता है तुझे सब मालूम है। देख, जो बातें तू किसी और को नहीं बता सकता, हमें बता सकता है। चल शाबाश, बता। और इतने बच्चे तो हम भी नहीं है, हमें भी थोड़ा बहुत अंदाजा है कि किसने करवाया है। देखो यार, घर का मामला ही है। वकार रानी का सगा भाई है। मैं अपने घर की डर्टी लॉन्ड्री बाहर सड़क पर नहीं धोना चाहता। और उससे बड़ी बात, वो इलेक्शंस में मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है। अगर मैंने उसका नाम लिया तो सब यही कहेंगे कि देखो अपने मुखालिफ पर झूठा इल्जाम लगा रहे वो। और मैंने अगर उसका नाम ले भी लिया तो उसने कौन सा इतराफ कर लेना है कि उसने ये सब कुछ करवाया है। पुलिस मनवा लेगी, तू टेंशन ना ले। देख, मुझे सिर्फ इतना पता है उसने तुझ पे कातिलाना हमला किया। तुझे कुछ हो जाता फिर। ओ मेरे यारा, तेरी यारी हुआ तो नहीं ना? मैं कह रहा हूं कुछ हो जाता तो हम तीनों का क्या होता? खत्म हो जाते हम तीनों। मैं, ये और सादा अकेला रह जाते। हमारा चौकटा टूट जाता। चौकटा समझता है तू? तेरी याद में रोते रहते हम हर वक्त। रानी भाभी के साथ क्या होता? मर जाती जीते जी। गोलियां तुम्हें लगी हैं, खून उस बेचारी का सूख गया है। चेहरा देख उसका, हल्दी की तरह जर्द हो गया है, जैसे तेरे बजाय उस पे किसी ने गोलियां चलाई। उधर से सादा जो है कॉल पे कॉल कर रहा है, तेरे लिए परेशान है, और तू कह रहा है हुआ कुछ। यार इसको यार समझा नहीं, तुम्हें उल्टे हाथ को ऐसे ऐसे दूंगा ना, जहन ठिकाने पे लग जाएगा इसका। शहरयार, मुझे सीधा करने के लिए उल्टे हाथ की एक नहीं दो दो लगाओ तुम दोनों। कैसी बातें कर रहे, पागल हो गए? मैंने तुम दोनों के साथ बहुत ब्लंडर किए हैं। मौत को एक फुट के फासले से देखा है मैंने। मरने से पहले मुझे भी एतराफ करने। तू मर रहा है? हाँ। मुझे लगता है डॉक्टर ने इसे एनेस्थीसिया की बजाय सस्ता नशा करा है। ऐसी बैकी बैकी बातें कर रहा है। कुछ नहीं होने वाला यार, तुझे ठीक हो जाएगा। तू इसको बात घुमाने की एफआईआर करवा इस पे। एफआईआर तो बनती है मुझ पे, तुम दोनों की। मेरा ख्याल है तू बिल्कुल ठीक है रे। लगता डॉक्टर ने सस्ता नशा करवा के भाई का ऑपरेशन किया। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने अपनी मुन्नी के दिन तुम दोनों के साथ बहुत बड़ी जाती की थी। तुमने अगर वो सब दिल से किया था तो होश आते हमें यहां पे ना बुलाते। अब इधर उधर की बातें ना कर। पुलिस बाहर आ गई है, तू स्टेटमेंट लिखवाएगा और किसी को बचाने की कोशिश नहीं करेगा, समझा? वकार का नाम नॉमिनेट करेगा तू, और अगर तूने नहीं किया ना, मैं सादे को कॉल करूंगा, वो अपने तरीके से तेरा दिमाग सेट करेगा। देख यार, मेरी मान नामालूम अफराद का नाम लिखवा दे एफआईआर में। ओ भाई, जब तुझे सब मालूम है तो नामालूम क्यों बन रहा है यार? तो मैं और क्या करूं, मैं तो बुरा फंस गया हूं। रानी का भाई है, वो बहुत मोहब्बत करती है उससे। जिस आदमी ने मेरे शौहर को कत्ल करने की कोशिश की है, मेरे से नफरत के अलावा कुछ नहीं कर सकती।
तुम उसका नाम लो ना लो, मैं उसका नाम भी लूंगी और FIR भी कटवाऊंगी। रानी तुम प्लीज इस मसले से दूर रहो, जल्दबाजी मत करो, घर का मामला है ये। अब ये मेरे घर वाले का मामला है भाई, आप FIR कटवाएं।